तो बर्तन खरीदने आए। अच्छा। और मालूम हुआ कि यहाँ का बहुत पीतल का कारोबार ज्यादा प्रसिद्ध है। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं बेटी की शादी के लिए। जेल से बाहर आते ही आनंद मोहन अपनी बिटिया की शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तिलक में अपनी बिटिया को देने के लिए जो पीतल का बर्तन चाहिए उसकी खरीदारी करने के लिए पूर्व सांसद खुद पहुंच गए राजधानी पटना के बिहटा से सटे परियोग में, जहां पर पीतल का बर्तन बनाया जाता है। पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर सबसे अच्छा बर्तन यही बनता है, और यही वजह है कि खुद अपनी पसंद से खरीदारी करते हुए आनंद मोहन दिखे। अपनी लाडली की शादी की तैयारी में जेल से बाहर आने के साथ जिस तरीके से आनंद मोहन जुटे हुए हैं और जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, उसके बाद हर कोई कह रहा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी अपनी बिटिया की शादी होती है तो वो भी एक आम पिता की तरह ही तमाम जिम्मेवारियों को पूरा करने में जुट जाता है। तस्वीरें देखिए, आनंद मोहन क्या कुछ कह रहे इस मौके पर, वो भी सुनिए। मोबाइल हम ना चलाए स्क्रीन पर, मोबाइल तोरा पास है? आपने जो उन्हें कह रहा होते तो उन्हें कही है मुरादाबाद के बाद इसकी स्थान आती है इस पर्पस पे। हमारे यहाँ भी लोग यहाँ के जाते हैं, सिंहेश्वर, सहरसा, मधेपुरा, सब अच्छा लगा, गए स्वयं से खरीदे ना। और ये अच्छा अनुभव रहा बेटी की शादी में स्वयं से खरीदारी करना। थैंक यू सर, अच्छा लगा। पेरोल पे हम लोग शादी के लिए ही बाहर आए 15 दिन। थैंक यू सर। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।